हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप शेयर चैट एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके एक एक फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, कैसे उसमें सारे फंक्शंस वर्क करते हैं, उसकी सेटिंग्स क्या क्या हैं, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप शेयर चैट एप्लीकेशन में अपने मोबाइल नंबर से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल में कैसे कैसे आप सेट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है शेयर चैट, उसके सर्च करना है और उसे अपने फ़ोन के अंदर यहाँ पे इसे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसे अभी अपडेट कर सकता हूँ, पर मैं बाद में करूँगा। ठीक है, मैं आपको यूज़ करना सिखा देता हूँ। बैक आ जाएंगे, उसके बाद हमें इस एप्लीकेशन के अंदर जाना है। तो इस पर मैंने जैसे ही इसे ओपन किया तो यहाँ पर ये स्क्रीन होम स्क्रीन आ गई है, लेकिन जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो आपसे भाषा पूछेगा वो कि आप कौन सी भाषा चुनना चाहते हैं। तो उसमें से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ करके उसके बाद आपके सामने ये होम स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ हिंदी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं जौन सी आपकी लैंग्वेज हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन इसमें फॉलोइंग का है, तो आप जिसको यहाँ पे फॉलो करेंगे वो उसके पोस्ट, उसकी वीडियोस यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद लोकप्रिय मतलब पॉपुलर, जो पॉपुलर पोस्ट होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, पॉपुलर पोस्ट में ही जैसे यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप इसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ दिखाई देंगी। ठीक है, आप जौन सी वीडियो चाहें उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको ऐसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये चेंज होती रहती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मोज लाइट का एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें जो वीडियो चलेंगी उससे आपका डाटा कम यूज़ होगा। ठीक है, मोज लाइट का एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाएंगे, उसके बाद इसमें अगला जो ऑप्शन है वो है लेटेस्ट का। यहाँ से आपको लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे मिलती जाएंगी, जो भी यहाँ पे नया नई भी जो भी चीज़ आएगी वो यहाँ पे आपको मिलती जाएगी। उसके बाद भक्ति मेला है, यहाँ पे आपको भक्ति से रिलेटेड सारे पोस्ट वीडियोस मिलेंगे। उसके बाद लव, इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, भक्ति, मज़ेदार, व्हाट्सअप, यहाँ पे व्हाट्सअप के रिलेटेड आपको वीडियो पोस्ट दिखाई देंगे सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साहित्य लिखा हुआ है तो यहाँ पे साहित्य से रिलेटेड दिखाई देगा, शुभकामनाएं, कोरोना वायरस, फिल्मी गाने, यहाँ पे आपको सारे फिल्मी गाने दिखाई देंगे, उससे रिलेटेड वीडियोस होंगी यहाँ पे सारी। ठीक है, आप जिसको चाहें वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होगी। ऊपर यहाँ पे एक आपको एक नोटिफिकेशन टैब दिखाई देगा, बेल का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई देंगी। ठीक है, कि किसने आपकी वीडियो को पोस्ट किया है, किसने आपकी वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बैक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, पहले मैं आपको इसकी सारी चीज़ें बता देता हूँ। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं ये तो होम स्क्रीन हो गई, उसके बाद यहाँ पर खजाना है, सर्च इंजन है ये आपका, यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी हैं आप देख सकते हैं, शेयर चैट, इंडियन T20 लीग, लव, शुभकामनाएं, मोहब्बत, यहाँ पे हर तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, आप जो चाहें यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप खोज करें, इस पे सर्च कर सकते हैं यहाँ से, गुड मॉर्निंग से रिलेटेड, गुड नाइट से रिलेटेड, जैसे गुड मॉर्निंग है तो इसके पोस्ट आ जाएंगे आपके सामने सारे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जैसे विश्वकर्मा पूजा है तो यहाँ पे विश्वकर्मा पूजा से रिलेटेड पोस्ट आ जाएंगे आपके सारे। इस तरीके से आप जो यहाँ पे सर्च करना चाहें वो इस सेकंड ऑप्शन में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आप कुछ भी इसमें पोस्ट करना चाहें तो वो चीज़ आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं,
जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे स्टेटस, यहाँ से स्टेटस डाल सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन कैमरे का है, कोई फ़ोटो डालनी हो तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके डाल सकते हैं। यहाँ पे अपलोड वीडियो अपलोड करनी हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है मोशन वीडियो का है, यहाँ से आप मोशन वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चैट का ऑप्शन है अगला, यहाँ से आपके चैट रूम हैं ये सारे, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं इन पर क्लिक करके। उसके बाद अपने हैं, यहाँ से आप अपने बना सकते हैं, शेक एंड चैट करें, ठीक है, दोस्तों से चैट करें तो इस पर क्लिक करके आप अपना चैट रूम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ अनजान है, ये भी अपना रजिस्टर जब आप कर लेंगे उसके बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मौज लाइट है, मौज लाइट की वीडियो यहाँ पे दिखाता है सारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसके अंदर। अब इसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उस पर एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर अगले उसमें जैसे आप इसमें मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं जल्दी से, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे OTP ले पे क्लिक कर लेंगे, मेरे फ़ोन के ऊपर एक OTP आ गया है, वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। OTP डालने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब आपका यहाँ पे अकाउंट बन चुका है, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल खुल चुकी है। यहाँ से आप प्रोफाइल में बदलाव कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरी फ़ोटो गैलरी में से लगा सकते हैं, ये बैकग्राउंड यहाँ से एडिट करके यहाँ से ये बदले पे क्लिक करके कर सकते हैं, यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, निकनेम, यहाँ से आप जेंडर लगा सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो ये वाला, फीमेल हैं तो ये। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना अबाउट में, ठीक है। उसके बाद आप अपनी राशि को यहाँ से वो कर सकते हैं, इसमें जो उनसे भी राशि चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे जन्मदिन डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो डाल दें। यहाँ पे अभी मैंने ऐसे ही डाल रखी है रफली, जैसे यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं, उसके बाद नीचे आपका फ़ोन नंबर आ जाता है इसमें। उसके बाद आप यहाँ परिवर्तन को लॉक इस पर क्लिक करके इसे सेव कर देंगे, मुझे अभी कुछ भी चेंज नहीं करना इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेरे पोस्ट जहाँ पे लिखा आ रहा है यहाँ पे आपको सारे पोस्ट दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये गैलरी है, यहाँ पे गैलरी दिखाई देगी, यहाँ पे ग्रुप है, आप यहाँ से नया ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बनाए पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं इस पर क्लिक करके, ग्रुप का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्रुप के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं, कैटेगरी यहाँ से नीचे से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी हो। उसके बाद क्रिएट ग्रुप पे क्लिक कर देना है तो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद माई चैट रूम है, यहाँ पे आपके चैट रूम शो हो जाएंगे जो जो आपने ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बैक कर लेंगे, यहाँ पे ऊपर एक रुपीज़ का आइकन दिखाई दे रहा होगा आपको, इस रुपीज़ वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसे आप अपने शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आपको इसके ऊपर अपनी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको काफ़ी सारी आपकी प्रोफाइल की सेटिंग्स दिखाई देंगी। जैसे सबसे पहली है स्क्रीन बदलें, यहाँ से आप स्क्रीन चेंज कर सकते हैं, अंग्रेजी या इंग्लिश जो आप रखना चाहें। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन आता है डाटा सेवर का, इसमें ऑटो डाउनलोड मीडिया अभी चालू है, ठीक है, अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो इसे ओके कर देंगे तो ऑटो मीडिया अब आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा और आपका जो डाटा है वो सेव होगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से ये पोस्ट डाउनलोड है, ठीक है, पोस्ट अपना डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक, जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा डाउनलोड, अगर इसे ऑफ़ कर देंगे तो आपको फिर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट सेटिंग है, गोपनीय सेटिंग, प्राइवेट सेटिंग्स हैं, ठीक है, जैसे ये अकाउंट सेटिंग्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद ये प्राइवेट सेटिंग है, इसमें कौन आपके लिस्ट को देखे फॉलोवर की वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मेरी फॉलोइंग लिस्ट कौन देख सकता है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके ठीक है पे क्लिक कर देंगे। कौन मुझे पोस्ट में टैग कर सकता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट्स ही करें, मेरे फॉलोवर्स ही करें या कोई ना करे, ठीक है, वो यहाँ से चूज़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक लिस्ट है, यहाँ पे आपको आपकी ब्लॉक लिस्ट दिखाई देगी, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल हटा सकते हैं, बैक कर देंगे।
उसके बाद नीचे यहाँ पे लॉग आउट का एक ऑप्शन है, तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन से लॉग आउट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप शेयर चैट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप किस तरीके से शेयर चैट एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।